वेलकम बैक टू होम किचन। आज हम बनाएंगे मिनी केक्स, जिन्हें बनाएंगे हम बिना कुक किए। ना तो हम किसी फ्लेम का यूज करेंगे और ना ही हम माइक्रोवेव का यूज करेंगे। तो इसी के साथ हम केक बनाना शुरू करते हैं। मैं दो मिनी केक्स बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ले लिए हैं ये 8 पीस ब्रेड के। ये मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं। और ये मैंने ले लिया है हार्ट शेप का एक कटर। एक लेंगे ब्रेड स्लाइस और इस तरह से कटर को ब्रेड के ऊपर रखते हुए हार्ट शेप निकाल लेंगे। इस तरह से कटर को राउंड शेप में घुमाते हुए आसानी से हम कोई भी शेप निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी सभी ब्रेड के भी हार्ट शेप निकाल लेंगे। इस तरह से सभी ब्रेड स्लाइस की मैंने कटिंग कर ली। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। और इसके साथ ही मैंने ली है व्हिप क्रीम, एक मैंने ली है व्हाइट और एक मैंने ली है पिंक। ये मैंने मलाई से ही घर में बनाई है। यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं मलाई से व्हिप क्रीम कैसे बनाती हूँ तो इसके लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, इसकी भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। और मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑरेंज जूस। आप अपना फेवरेट कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर, मिक्स करेंगे और इस तरह से ये हमारा बन गया शुगर सिरप। मिनी केक बनाने के लिए एक लेंगे ब्रेड स्लाइस और इसके ऊपर अच्छे से हम जूस को फैलाएंगे। इस पूरे स्लाइस को हमने जूस से अच्छे से कवर करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और इस जूस के ऊपर दूसरी लेयर होगी क्रीम की। इस तरह से क्रीम को पूरी तरह से स्लाइस पर फैला देंगे और इसके ऊपर रखेंगे दूसरी ब्रेड स्लाइस और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे और फिर से इसी तरह इस पर जूस अच्छे से फैला देंगे। जूस फैलाने के बाद दूसरी लेयर होगी क्रीम की और इस तरह से क्रीम को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और फिर से हम इस पर ब्रेड स्लाइस रखेंगे और जूस फैलाएंगे और फिर होगी क्रीम की लेयर। अब हमारी होगी फोर्थ और लास्ट ब्रेड स्लाइस। इसके ऊपर लगाएंगे जूस और एक लेयर होगी हमारी व्हिप क्रीम की। मैंने फॉरेस्ट मिनी केक की भी वीडियो शेयर की है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस तरह से ये रेडी हो चुका है हमारा एक हार्ट शेप का केक बेस। इसी तरह से मैंने पिंक व्हिप क्रीम का यूज करते हुए दूसरे मिनी केक को भी रेडी कर लिया। अब इस केक को हम व्हिप क्रीम से कवर कर लेंगे। इस तरह से मैंने क्रीम से कवर कर लिया और दूसरे मिनी केक को भी इसी तरह से हम क्रीम से कवर कर लेंगे और इन दोनों को आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक मैं रेडी कर लूंगी पाइपिंग बैग। मैंने होममेड पाइपिंग बैग की वीडियो भी शेयर की है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। क्रीम सेट होने के बाद अब केक को हम देंगे फाइनल लुक। इसे फिर से हम फिनिशिंग देंगे व्हिप क्रीम से। व्हिप क्रीम की एक मोटी लेयर हम इसके ऊपर फैलाएंगे। दोनों केक की फिनिशिंग हो चुकी है, अब हम इन्हें डेकोरेट करते हैं। ये मैंने ली है चेरी। चेरी की मैंने हाफ हाफ कटिंग कर ली। इस चेरी से हम इसे डेकोरेट करेंगे। दूसरे मिनी केक को डेकोरेट करना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
इसी तरह से केक के नीचे भी एक लाइन हम चेरी की देंगे। इस तरह से डेकोरेट करने के बाद हम व्हाइट व्हिप क्रीम से एक एक डॉट्स हम इन चेरी के बीच में बनाएंगे। इसके लिए हम पाइपिंग बैग का यूज करेंगे। जहां भी हमें चेरी के बीच में जो जगह दिखाई दे रही है उस जगह को हम इस क्रीम से भर देंगे। इस तरह से केक का टॉप हमारा रेडी हो चुका है। अब पूरे केक को हम इसी डॉट से कवर करेंगे। पूरे केक में हम इसी तरह से पाइपिंग बैग से डॉट्स बनाएंगे। हमारा रेडी हो चुका है, इसे हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो रेडी है हमारा वैलेंटाइन डे स्पेशल ब्यूटीफुल केक, जो देखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही टेस्टी है। दूसरे केक को डेकोरेट करना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी हो रही थी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और यदि आपको देखनी है इसी तरह की टेस्टी और यम्मी रेसिपी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतने ब्यूटीफुल केक को मेरा तोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन आपको दिखाना जरूरी है कि ये कितना टेस्टी बना है। ये देखिए, है ना एकदम यम्मी केक। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।